सुनैना, तुझे मैंने एक काम बोला था कि ये फाइल अपडेट कर दे। क्लाइंट के आगे मैंने खोला और हर शीट पे कम से कम 10 गलतियां थी। सो एम्बैरेसिंग यार। मैं तेरे डेस्क पे रख रही हूँ, प्लीज इसे कंप्लीट कर यार। Manchi, you think we can call for a group meeting this Friday? I'll coordinate with the other teams. I'll let you know for sure. I'll be in post lunch, so let's keep it at 3:30. All right. How's everything else going? Everything else is fine, but I wanted to speak to you about that client. Yes. Yeah. Ma'am, I need to tell you something. Yeah, batao. It's a bit personal, if you could. It's all right, Sunaina, तुम यहाँ बता सकती हो। Come on in. Yeah. Actually, I'm not feeling fine today. I've been trying to give my 100%, but there is this disconnect. I'm unable to focus on my work. I am working. मैं कर रही हूँ काम, but वो काम मैं सिर्फ काम ख़त्म करने के लिए कर रही हूँ। आई कॉन्ट फोकस ऑन माई वर्क। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड गिव मी रेस्ट ऑफ द डे ऑफ। सुने ना, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ख़राब है। लिसन, दीज आर जस्ट सम थॉट्स इनसाइड योर हेड, ओके? आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। टेक अ स्मोक ब्रेक, चाय पी लो, चाय हेल्प्स इट ऑल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जस्ट रिलैक्स, ओके? मैम, आई हैव ट्राइड इट ऑल, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। ओके, सो टेल मी, क्या हो रहा है? वॉमिटिंग फील हो रही है, फीवरिश, वियर टमी, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नो, नथिंग लाइक दैट। सी, अब जो चीज़ दिख ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, उस बेसिस में मैं तुम्हें कैसे ऑफ दे दूँ? अब इनमें से कुछ हो रहा होता तो मेडिकेशन वुड हैव हेल्प्ड। बट थॉट्स का क्या सुना है ना, एक सेकेंड में पॉजिटिव और एक सेकेंड में नेगेटिव हो जाते हैं। एंड यू नो वॉट, यू थिंक वॉट यू वॉन्ट टू बिलीव। सो रिलैक्स, काम डाउन, ओके? मैम, आई नो दिस इज ऑल अ बिट वियर्ड, बट ओके, टेल मी, घर पे कुछ प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है घर पे? या, एवरीथिंग इज फाइन। एंड वर्क वाइज, किसी के साथ कोई इशू टीम में? नहीं। तो जब तुम्हारे पास कोई रीज़न है ही नहीं ऐसा फील करने का, तो क्यों ऐसा फील कर रही हो? तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, इट्स जस्ट यू ओवर थिंकिंग। एंड यू नो वॉट, अब ऐसे तो हम किसी को भी ऑफ नहीं दे सकते ना। कोई भी आएगा बोलेगा कि माई माइंड इज़ नॉट हियर, माई माइंड इज़ नॉट देयर, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? एंड ऑनेस्टली आई थिंक दैट यू शुड टॉक टू समवन अबाउट इट। पर ऐसे ऑफ ले लेना, इट्स नॉट प्रोफेशनल सुनैना, सॉरी। ऑलराइट, थैंक यू। सुनैना। यस सर। यू आर नॉट गेटिंग टुडेज ऑफ। एक सेकंड। हिमांशी, क्या ज़रूरी है कि कोल्ड, कॉफ या किसी फिजिकली विजिबल प्रॉब्लम से ही किसी को छुट्टी मिले? नॉट एट ऑल सर, आई नो, बट दिस इज जस्ट अ फीलिंग, आई अंडरस्टैंड दैट। इट्स नहीं, जब आप उसकी बात ही नहीं समझ पा रही हो तो उसकी प्रॉब्लम कैसे समझोगे? सुने ना, डोंट जस्ट टेक द डे ऑफ, टेक द फुल वीक ऑफ। आई मीन, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू विल प्रॉब्ली नॉट इवन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में तो मेंटल हेल्थ एक भ्रम है जो चाय पी के या शायद एक स्मोक ब्रेक से ठीक हो जाएगी। इफ यू आर मेंटली नॉट हियर, हाउ विल यू फोकस ऑन एनीथिंग? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी उसके बाद? आई थिंक इट्स बेटर यू टेक दैट टाइम ऑफ एंड इन्वेस्टेड ऑन योर सेल्फ। एंड इट इज परफेक्टली फाइन फॉर समवन टू टेक टाइम ऑफ फॉर देम सेल्फ्स। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, हिमांशी, मेंटल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। टेक दिस टाइम ऑफ, गो गेट बेटर एंड होप टू सी यू एज योर सेल्फ वेरी सून। Take care and see you soon, hopefully.